चिंता लागी तो
कुछ राग नहीं है, एक देवरंजनी करके राग है। देवरंजनी ज्यादा आप रियाज करोगे तो ये मतलब ये एक ही राग ऐसा है कि जिसमें दो सुर लगातार चले। ज्यादा महत्व क्या है? जाना है तो सुन आंदोलन है गंदा मध्यम नहीं है। मदद से जाएंगे अच्छा ये जो राग है इसमें चीज बांधी है मगर अभी ज्यादा ज्यादा मेहनत करोगे तो जिस पर मेहनत करोगे उसमें मजा पड़ेगा। इसमें दो निशान है आप एक राग बताऊंगा ये जो राग है ये बसंत के नाम है। ये पालिका जी से मिली थी, हमने इनको पूछा तो इन्होंने बता दिया कि भैरव इसी राग में कोई बदल के कुछ मजा चाहिए तो क्या राग की बाहर की तो भैरव कितने बाहर के प्रकार ऐसे मिलेंगे आपको कृष्ण बाहर है राग किसी का एक प्रकार बस फिर एक अच्छा राग ले लिया उसमें जो नए सुर के ढंग डाल दिए ऐसे ही था पहले हो गया था हमारा वो कौन सा पेपर है वो केदार का हम समझते थे ये किसी गलैया ने केदार में बना एक दिन हम बड़े मंदिर में गए थे बड़े मंदिर को भैया ये सब मंदिर वाले हमारी जो भजने हैं वो सब तुम्हारे गंभीर लोगों ने दुपट्टा बना बनाए ये केदार के लिए नहीं है किसी भी राग में गाया जाते इतना ही नहीं है मगर सुबह के राग में गाया जाएगा तो दुपट्टा दमारिया होगा सुबह के राग में वही लग जाएगा तो फिर वही सारे में गाएगा शाम को वही अलग गाएगा रात को वही गाएगा केदार तब हमें मालूम हुआ कि ये सब मंदिर की चीजें हैं गरीब लोगों ने किसी ने बता दिया उस जनाने में चलता आया केदार खास केदार के लिए बनाया नहीं है वही ये चीज अब अंतरा मुझे याद नहीं है मगर अस्थाई अंतर भी ज्यादा कुछ नहीं है अस्थाई की मजा
इसमें बसंत का निश्चय करना, अब आपके जवाब दे दूंगा पांच मिनट में, अगर हो गए पंचम, जो पंचम राग है असली इसमें पंचमी गायब है, ये हिंदोल और सोनी का विषय है। दादा मारे साए रैनी सानी धन शुद्ध मध्यम इसका क्या आता है, मतलब शुद्ध मध्यम जब आता है तो आपको मैंने कह देता था इसे लाइन लेन कहा था तो मैंने इसे पंचम है पंचमी है नाम दिया है पुराने लोगों ने, मगर बात यह है पंडित जी को पूछो लाल मंदिर को यही पुराना बसंत है। इसी में है इसको मला ये बसंत ही कहते हैं मला यही है इसमें पुराना है वो और गोखले गांव ने जो मुझे बसंत के ख्याल दिए तो ऐसे ही है तो बसंत के क्या लगते मगर अभी तो इसको पंचम कहते मगर शुद्ध मध्यम लेके ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे ब्लाइंड लाइन में कहता हूँ जैसे गली जाती है और आगे किधर नहीं जाती ऐसा मध्यम है तो पंचम होगा। अब इसमें यह है भातखंडी जी ने इसमें जो पंचम लेने वाला है उसमें इन्होंने ललत जो है वो कोमल दैवत वाले को इन्होंने ललत दिया, शुद्ध दैवत वाले को बसंत पंचम का। अब वो बसंत को शुद्ध दैवत नहीं मानते हैं मत, इसमें वो बसंत मानते हैं शुद्ध दैवत को। सामने उल्टा किया है कि जो अभी प्रभावित है कोमल दैवत को मैं बसंत पंचम कहता हूँ, शुद्ध दैवत को वो अपना मैंने ठीक जाए कि उड़े तो बंदो ना कोशिश किया है और मंदे मुस्काए मोहताज बसंत पंचम जो है दैवत कोमल वाला इसने बसंत जी ने ललत पंचम कहा था, इसका एक साल पंचम में अच्छा दिया है कहो तुम्हें काशी कहते जुआ बुरे बने नंद लाले कहो तुम्हें काशी कहा। अब ये राग मैंने जब सुन लिए तो खास बात मालूम है पर एक गवैया मैंने इस तरह से सुना इन्होंने जब ये पंचम के प्रकार गाए तब ये तीव्र मध्यम के उपयोग किया
वो बात नहीं है। आप इंडिया जाने के मुझे एक दफा ये सुनो, क्या तुम्हें काफी कहा तुझे भाई नंद तुम्हें काफी कहा कपोलन लाग रही है कपोलन लाग रही है झूमत नैन भय नंद इसका जो ख्याल मिला है इसके हैबत की मजा देखने लगा। और मुझे याद है अब तक दिल्ली में मैं जब जाता हूँ तो रेडियो वाले तो सब घेर के बैठते हैं, ये सुनाओ सके सुनाओ, तो वो थे अंडे मर गए दिल्ली में कटक था ना जिसका बेटा है सुमर बजाऊंगा सुख दे पूछा तो सुख दे I'm not afraid.
Ah!
करे तुझे हर दर्शन चले जाए करे तू क्या कर दर्शन चले जाए करे तू थोड़ा बैटरी लगाए के और एक गाना सुनाऊंगा। जैसे मेरा जो शोक और जो शोध मैंने किया है
वो अलग अलग घराने की मजे मजे की चीजें और इसके कायदे, अलग अलग घराने की गायकी, इसका अभ्यास करने में मेरा ज्यादा टाइम व्यतीत किया। इसमें कई कई बड़ी मजे की चीजें मिलती और गवैये भी कितने होशियार होते हैं, ये इनके सबूत। इसका नाम है, राग का नाम है सावनी बिहारी। पंडित विष्णु कमेटी की जयंती में मैंने सावन गाया था, मुझे सावन की भाड़िया नहीं है, ये अलग है बिल्कुल। ये सावनी बिहारी इसका नाम है। अब ये सावनी राग जो है, ये सावनी राग एक आधुनिक स्वरूप है, गए 50 वर्ष में प्रचार में आया है। इसके पूर्व एक ओड़ो बिहार करके राग था और उसी का पर्याप्त स्वरूप यह हो गया। अब जब नया राग प्रचार में आता है तो ये होता है कि अभी बड़ौदे में सांसद महबूब खान, जिनके दरस्तियां नाम के चीजें हैं प्रसिद्ध, वो अतोली वाले, वो फैयाज, इनकी बेटी फैयाज का से शादी कर दी थी, वो इनके ससुर थे और उस दूसरे भी घराने वहां रहते थे। तो एक गुरु के दो चेले हैं तो मिलकर आपस में झगड़ा होता ही है तुम्हारे। तो महबूब का के शागिद को दूसरे जो गवैये राग गाने लगे थे, इनके दो शागिद मिले, इन्होंने क्या क्यों, अरे तेरा बुढ़ा क्या ये सावनी गाता है क्या? तो दूसरा इनका साथी क्या कहता है, राग क्या कहता है जिसके राग का नाम भी नहीं जानता होगा। तब इन्होंने अपनी जाके गुरु को कह दिया कि साहब ये लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, इन्होंने याद फेरो, झगड़ा नहीं करने का, इसका जवाब मैं दे दूंगा। इन्होंने इसी राग में चीज बनाई और इसका जवाब दिया। ये जवाब बड़ा मजे का, जाने अकल सब और बेअकल आप है, अपनी कहत कहूं की नहीं। कि वो खुद को बड़ा अकलवान समझता है मगर है खुद बेअकल, अपना ही सच्चा समझता है, दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे बहुत देर के दर्द मानस हमें, जो पृथ्वी पर गुनियन की विद्या को निकट बताने, अरे ऐसे आदमी हमने हजारों देखे है कि जो गुनी की विद्या, गुनियन की विद्या को निकृष्ट मे नाम रखने वाले, खराब कहने वाले हजारों देखे हैं। और इसका कॉम्पोजिशन इतना मजे का है, इसी राग में है, अब बड़ा सुंदर कॉम्पोजिशन है, इतना है, मैं सुना के अगर आवाज बैठने लगा है इसलिए रजा लेता हूँ। चल जाने
चाहते I'm
नहीं कह दे रे।